इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन वैज्ञानिक एनाक्सिमेंडर के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले किसने दुनिया का नक्शा बनाने की हिम्मत की, या किसने सबसे पहले यह सिद्धांत दिया कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई है? अतीत की हमारी यात्रा हमें प्राचीन यूनान तक ले जाती है, जो सभ्यता का उद्गम स्थल और दार्शनिक विचारों का केंद्र है। यहाँ हम सुकराती पूर्व दार्शनिक एनाक्सिमेंडर से मिलते हैं, जिन्होंने ज्ञान और समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने का साहस किया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मिलेटस शहर में जन्मे एनाक्सिमेंडर अपने समय के अग्रणी व्यक्ति थे। मिलेटस प्राचीन ग्रीस का एक हलचल भरा महानगर न केवल एनाक्सिमेंडर का जन्म स्थान था, बल्कि उनकी बौद्धिक गतिविधियों के लिए स्प्रिंगबोर्ड भी था। एक युवा व्यक्ति के रूप में उन्होंने खुद को उस युग के एक अन्य प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स के संरक्षण में पाया। इस परामर्श ने निस्संदेह एनाक्सिमेंडर के दार्शनिक दृष्टिकोण को आकार दिया और दुनिया और इसके कामकाज के बारे में उनकी जिज्ञासा जगाई। एनाक्सिमेंडर चीजों को अंकित मूल्य पर स्वीकार करने वालों में से नहीं था। उन्होंने सवाल किया, उन्होंने जांच की, उन्होंने समझने की कोशिश की। उनके जिज्ञासु दिमाग ने अपने समाज के स्वीकृत मानदंडों और मान्यताओं से बंधे रहने से इनकार कर दिया। इसने उन्हें दुनिया के बारे में अभूतपूर्व सिद्धांत बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसमें मानचित्र की अवधारणा और यह विचार भी शामिल था कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। लेकिन वास्तव में एनाक्सिमेंडर कौन था? वह एक विचारक, विद्वान, जीवन के विद्यार्थी थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को उस तरह नहीं देखा जैसा वह थी, बल्कि उस रूप में देखा जैसा वह हो सकती थी। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने सपने देखने का साहस किया और सवाल उठाने का साहस किया। दर्शन और विज्ञान में उनके योगदान ने दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है और आधुनिक विचारों को प्रभावित करना जारी रखा है। एनाक्सिमेंडर अपने समय से आगे के व्यक्ति थे जिन्होंने अपने युग के स्वीकृत मानदंडों और मान्यताओं पर सवाल उठाने का साहस किया। उनकी विरासत जिज्ञासा की शक्ति और यथास्थिति को चुनौती देने के साहस का प्रमाण है। जैसे जैसे हम उनके जीवन और कार्यों में गहराई से उतरते हैं, आइए एनाक्सिमेंडर को न केवल एक प्राचीन दार्शनिक के रूप में, बल्कि बौद्धिक साहस और नवीनता के प्रतीक के रूप में याद करें। मिलेटस के समृद्ध शहर में जन्मे एनाक्सिमेंडर का जीवन शुरू से ही पूछताछ और अन्वेषण में से एक था। यह शहर, जो अब आधुनिक तुर्की है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान व्यापार और ज्ञान का एक संपन्न केंद्र था। यहीं पर एनाक्सिमेंडर का जन्म बौद्धिक जागृति के युग में हुआ था। एक युवा लड़के के रूप में एनाक्सिमेंडर काफी भाग्यशाली था कि उसने प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त की। थेल्स प्राचीन ग्रीस के 7 संतों में से एक बहुज्ञानी थे जिन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन जैसे विविध क्षेत्रों में हाथ आजमाया। थेल्स के अधीन एनाक्सिमेंडर का समय उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को आकार देने और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में उनकी रुचि को बढ़ावा देने में सहायक था। एनाक्सिमेंडर की जिज्ञासा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। वह एक सच्चे बहुज्ञ थे जिनकी रुचि भूगोल, जीव विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में फैली हुई थी। वह अपने आसपास की दुनिया से मोहित हो गया था, लगातार सवाल करता था और ब्रह्मांड के रहस्यों के जवाब ढूंढता था। भूगोल में उनकी रुचि ने उन्हें दुनिया के सबसे पहले ज्ञात मानचित्रों में से एक बनाने के लिए प्रेरित किया, एक उपलब्धि जो उस युग में कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी जब दुनिया का अधिकांश भाग खोजा जाना बाकी था। जीव विज्ञान में उनका काम, हालांकि कम प्रसिद्ध था, उतना ही अभूतपूर्व था। उन्होंने जीवन की उत्पत्ति और प्रजातियों, विचारों के विकास के बारे में अनुमान लगाया जो अपने समय से सदियों आगे थे। शायद उनकी सबसे महत्वपूर्ण रुचि ब्रह्मांड विज्ञान में थी।
एनाक्सिमेंडर सितारों, चंद्रमा और सूर्य से मोहित हो गया था। उन्होंने उनकी गतिविधियों और ब्रह्मांड में उनके स्थान को समझने की कोशिश की। उनके सिद्धांत, हालांकि आज के मानकों के अनुसार अल्पविकसित थे, अपने समय के लिए क्रांतिकारी थे। एनाक्सिमेंडर का प्रारंभिक जीवन बौद्धिक अन्वेषण की उनकी आजीवन यात्रा का प्रतीक था। उनकी अतृप्त जिज्ञासा और सीखने की इच्छा उन्हें अपने समकालीनों से अलग करती थी। उनके प्रारंभिक वर्ष ज्ञान की निरंतर खोज से चिह्नित थे, एक ऐसी खोज जो उनके जीवन की दिशा को आकार देगी और इतिहास के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। छोटी उम्र से एनाक्सिमेंडर ज्ञान का साधक, ब्रह्मांड के रहस्यों का खोज करता थे। उनका प्रारंभिक जीवन एक यात्रा की शुरुआत थी जो उन्हें प्राचीन ग्रीस में बौद्धिक विचारों में सबसे आगे ले जाएगी और अपने समय के प्रमुख विचारकों में से एक के रूप में उनकी जगह पक्की कर देगी। एनाक्सिमेंडर के जिज्ञासु दिमाग ने उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित किया। यह प्राचीन यूनानी दार्शनिक और विद्वान अपनी बौद्धिक जिज्ञासा और अपने आसपास की दुनिया को समझने की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। एनाक्सिमेंडर की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक दुनिया के पहले ज्ञात मानचित्र का निर्माण था। यह उस समय एक क्रांतिकारी विकास था, क्योंकि यह दुनिया की पौराणिक व्याख्याओं से अधिक वैज्ञानिक और भौगोलिक दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता था। एनाक्सिमेंडर का नक्शा, हालांकि आज के मानकों के अनुसार अल्पविकसित था, अपने समय के लिए कल्पना और अवलोकन की एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी जो मानचित्रकला की शुरुआत को चिन्हित करता है। जैसा कि हम जानते हैं, एनाक्सिमेंडर को प्राकृतिक दुनिया और जीवन की उत्पत्ति में भी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने विकास के सबसे पहले ज्ञात सिद्धांतों में से एक का प्रस्ताव रखा, जिसमें बताया गया कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई और समय के साथ प्रजातियां विकसित हुई। यह उनके समय के प्रचलित विचारों से एक क्रांतिकारी विचलन था, जो काफी हद तक पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थे। एनाक्सिमेंडर के सिद्धांत, हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक मानकों द्वारा पूरी तरह से सटीक नहीं है, दुनिया की अधिक वैज्ञानिक समझ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थे। हालांकि एनाक्सिमेंडर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका ब्रह्मांड संबंधी मॉडल था। उन्होंने सुझाव दिया कि पृथ्वी अंतरिक्ष में लटकी हुई एक बेलनाकार आकृति है, जो गोलाकार कक्षाओं में घूमने वाले खगोलीय पिंडों से घिरी हुई है। यह एक अभूतपूर्व विचार था जिसने उस प्रचलित धारणा को चुनौती दी कि पृथ्वी चपटी और स्थिर है। एनाक्सिमेंडर का मॉडल, हालांकि पूरी तरह से सटीक नहीं है, ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है और भविष्य की खगोलीय खोजों के लिए आधार तैयार करता है। एनाक्सिमेंडर का योगदान अभूतपूर्व था, जिसने दुनिया को समझने के हमारे तरीके को नया आकार दिया। उनके नवीन विचारों और सिद्धांतों ने ज्ञान और समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाया, जिससे उन्हें भूगोल, जीव विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में एक सच्चे अग्रणी के रूप में चिह्नित किया गया। उनका काम आज भी विद्वानों को प्रेरित और सूचित करता है, हमें जिज्ञासा की शक्ति और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने के महत्व की याद दिलाता है। एनाक्सिमेंडर का दर्शन क्रांतिकारी था, पारंपरिक विचारों को चुनौती देता था और नए विचारों को जगाता था। अब आइए उनकी दार्शनिक मान्यताओं के मूल में उतरें, एक यात्रा जो हमें अस्तित्व के सार तक ले जाएगी। एनाक्सिमेंडर के दर्शन के केंद्र में एपिरोन या असीम की अवधारणा निहित है। उनका मानना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस असीम इकाई से हुई है, एक कालातीत और अनंत स्रोत जिससे सभी चीजें उभरी और जिसमें सभी चीजें लौट आईं। उनके विचार में एपिरोन केवल एक भौतिक इकाई नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सिद्धांत था। यह हमारी अवलोकनीय दुनिया से परे अंतिम वास्तविकता, शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्य का प्रतिनिधित्व करता है।
एनाक्सिमेंडर ने उस प्रचलित धारणा को चुनौती दी कि दुनिया का निर्माण देवताओं या दिव्य प्राणियों द्वारा किया गया था। इसके बजाय उन्होंने एक प्राकृतिक व्याख्या प्रस्तावित की, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मांड एपिरॉन से पैदा हुआ था और प्रकृति के नियमों द्वारा शासित था, न कि दैवीय हस्तक्षेप से। यह पारंपरिक विचारों से एक क्रांतिकारी विचलन था, जो मानव इतिहास में वैज्ञानिक विचार के शुरुआती उदाहरणों में से एक था। लेकिन एनाक्सिमेंडर का दर्शन सिर्फ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में नहीं था, उन्होंने अस्तित्व की प्रकृति पर भी विचार किया। वह ब्रह्मांड में जन्म और विनाश के एक शाश्वत चक्र में विश्वास करते थे। जीवन के रूप उभरे, विकसित हुए और अंततः नष्ट हो गए और फिर से पुनर्जन्म हुआ। उनके अनुसार यह चक्र अस्तित्व का एक मूलभूत पहलू था, जीवन की नश्वरता और एपिरॉन की स्थायी प्रकृति का एक प्रमाण। लेकिन एनाक्सिमेंडर ने ऐसे चक्र पर विश्वास क्यों किया? उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि एपिरॉन असीम और अनंत था, इसलिए इसमें सभी विपरीत चीजें शामिल थी, गर्म और ठंडा, गीला और सूखा, जीवन और मृत्यु। उन्होंने तर्क दिया कि ये विरोधाभास निरंतर संघर्ष में थे, जिससे सृजन और विनाश का निरंतर चक्र चल रहा था। एनाक्सिमेंडर का दर्शन स्वयं उस व्यक्ति की तरह साहसिक और अभूतपूर्व था, जिसने दार्शनिक विचार के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके विचारों ने यथास्थिति को चुनौती दी, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया और वैज्ञानिक दर्शन की नींव रखी। वास्तव में एनाक्सिमेंडर के क्रांतिकारी विचार 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय के बाद भी हमें प्रेरित और दिलचस्प बनाते हैं। मृत्यु के बाद भी एनाक्सिमेंडर की विरासत जीवित है, उनके विचार हमारे साथ गूंजते रहते हैं। एनाक्सिमेंडर का लगभग 64 वर्ष की आयु में 547 ईसा पूर्व में निधन हो गया। फिर भी उनकी मृत्यु उस विरासत की शुरुआत मात्र थी, जो सदियों तक कायम रहेगी। एनाक्सिमेंडर का प्रभाव दर्शन से लेकर विज्ञान तक विभिन्न क्षेत्रों में महसूस किया जाता है। वह सिर्फ एक दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि एक भूगोलवेत्ता, एक खगोलशास्त्री, एक जीव विज्ञानी और विकास के शुरुआती प्रस्तावक भी थे। एपिरॉन की उनकी अवधारणा असीम अभी भी गहन दार्शनिक चर्चा का विषय है, और दुनिया का उनका नक्शा, हालांकि आज के मानकों के अनुसार आदिम था, अपने समय में क्रांतिकारी था। विज्ञान के क्षेत्र में एनाक्सिमेंडर के विचार गूंजते रहते हैं। वह यह प्रस्ताव देने वाले पहले लोगों में से थे कि जीवन सरल रूपों से विकसित हुआ है, एक ऐसी अवधारणा जिसे 2 सहस्र शताब्दी बाद तक व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी सिद्धांत दिया कि मनुष्य मछली जैसे प्राणियों से विकसित हुआ था, जो उस युग के लिए एक साहसी परिकल्पना थी, जहां ऐसे विचारों को ईशनिंदा माना जाता था। दर्शन और विज्ञान से परे एनाक्सिमेंडर का प्रभाव व्यापक दुनिया तक फैला हुआ है। सभी प्राणियों की समानता में उनका विश्वास कि हम सभी एक ही सामग्री से बने हैं, पृथ्वी पर सभी जीवन के अंतर संबंध की आज की समझ में प्रतिध्वनित होता है। जांच और पूछताछ के महत्व पर उनकी शिक्षाएं वैज्ञानिक पद्धति और आधुनिक शिक्षा के केंद्र में है। कई मायनों में एनाक्सिमेंडर अपने समय से आगे के व्यक्ति थे। उनके विचारों, जो उनके युग के लिए क्रांतिकारी थे, ने आज की दुनिया में अपना स्थान पाया है। उनके मूल्य को मान्यता दी गई है और उनकी सराहना की गई है। इसलिए उनकी विरासत न केवल प्राचीन यूनानी विचारों में उनके योगदान में है, बल्कि इस बात में भी है कि कैसे उनके विचार दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देते रहते हैं। अपने समय के दूरदर्शी एनाक्सिमेंडर हमें प्रेरित करते रहे हैं। उनकी विरासत जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की खोज के प्रमाण के रूप में खड़ी है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।